आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स विद रश्मि में। आज इस वीडियो में हम क्लास 11 चैप्टर 13 डेप्रिसिएशन के बारे में डिस्कस करेंगे। डेप्रिसिएशन है क्या, कैसे इसे कैलकुलेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल मेरा देखिए ये एक मोबाइल फोन है, ठीक है। ये मोबाइल फोन मैंने अभी कुछ दिन पहले खरीदा है, इसकी कीमत है 25,000 और ये क्या मेरे हाथ से गिर गया। आपको क्या लगता है इस 25,000 का मुझे 25,000 मिलेंगे? नहीं ना। तो क्या कर सकते हैं आप, हम वैल्यू क्या होगी हमारी डाउन, है ना। अगर हमने 25,000 का मोबाइल खरीदा है और अगर ये बाय चांस टूट जाता है तो मुझे इसे ठीक कराना पड़ेगा। चलो मैं मान लेती हूँ 25,000 का था, मैंने इसे ठीक करा लिया, 5,000 रुपीज दिए, इसके डिस्प्ले ठीक करा ली। तो अब ये जो मेरा मोबाइल है 30,000 का या 25,000 का, अगर मैं इसे सेल करूं, किसी और को सेल करूं, तो क्या ये 25,000 में जाएगा? आप बोलेंगे अरे मैडम कैसी बात करते हो, कैसे चला जाएगा 25,000 में, आपका पुराना मोबाइल है, सेकंड हैंड है ना। तो इसकी वैल्यू जो डाउन हुई सेकंड हैंड, आप बोलोगे अरे मैडम 20,000 में दोगे ना पुराना मोबाइल आपका, कल ही आपने खरीदा हो फिर भी दोगे ना आप, तो जैसा ये 23,000 में बिक जाएगा आपसे ही करा कर दोगे तो, या 20,000 में सेल हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने बोला नहीं भाई, मैंने कल तो खरीदा है, इतनी जल्दी कैसे इतनी वैल्यू को डाउन हो गई, ठीक है। तो ये जो वैल्यू इसकी डाउन हुई, फॉल हुई, यही क्या होता है डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो फोन मेरा गिरा नहीं है, वो केवल आपको समझाने के लिए था। तो यहाँ हम देख लेते डेप्रिसिएशन है क्या। तो डेप्रिसिएशन मीन्स फॉल इन वैल्यू ऑफ एसेट, अगर किसी एसेट की वैल्यू डाउन हो जाती है तो उसे हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन, ठीक है। क्लियर हुआ इतना। तो डेप्रिसिएशन हमेशा फिक्स्ड एसेट पर ही लगता है, जितनी भी हमारी फिक्स्ड एसेट होती है। फिक्स्ड एसेट क्या है, ये पॉसिबल है। फिक्स्ड एसेट मीन्स ऐसी एसेट जिन्हें आप प्रोडक्शन पर्पस या यूज करने के पर्पस से खरीदते हैं, बेचने के पर्पस से नहीं खरीदेंगे, ठीक है। वो होती है हमारी फिक्स्ड एसेट। आपके घर के सोफे, किसी किसी के घर में तो मम्मी के सोफे भी अभी तक रखे होंगे, है ना, मम्मी की शादी के सोफे भी, तो वो क्या आप लोग बेचने के लिए खरीदे थे? नहीं। गाड़ी, शादियों में गाड़ी मिलती है ना, बहुत सुना है मैंने बच्चों से, बच्चे बोलते हैं मैम हमारे गाड़ियां मिलती है, हमें ऑडी मिल जाएगी, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, है ना। तो वो सारी चीजें हम किस लिए खरीद, किस लिए हमारे पास आई है, वो यूज करने के पर्पज से, या आप नई गाड़ी खरीद के लाए हैं वो क्या बेचने के पर्पज से लाए हैं? नहीं, यूज करने के पर्पज से। आपने नया मोबाइल खरीदा यूज करने के पर्पज से, है ना। तो जो भी एसेट हम कंपनी में यूज करने के पर्पज से खरीदेंगे उन्हें बोलते हैं फिक्स्ड एसेट। अब क्योंकि हम कंपनी की बात कर रहे हैं तो थोड़ा कंपनी के लेवल पर आ जाते हैं। तो वहां जो भी फर्नीचर होगा, जो भी मशीनें होंगी, वो कंपनी यूज करने के पर्पज से खरीदेगी, इसीलिए वो है हमारी फिक्स्ड एसेट। तो क्यों फिक्स्ड एसेट, कहीं ना कहीं वो उनकी वैल्यू डाउन होती जाएगी, है ना। क्यों होती है उनकी वैल्यू डाउन, तो उसके बारे में देख लेते हैं। इसके कुछ रीजंस है। नॉर्मल वियर एंड टियर, या तो ऐसा हो सकता है कि आप उसे यूज कर रहे हो, है ना, टियर टूट फूट हो गई है। पैसेज ऑफ टाइम, आप बहुत टाइम से उसे यूज कर रहे हैं, तो टाइम स्पान भी होता है कि आपने ज्यादा टाइम उसे यूज कर लिया, इसकी वजह से उसकी वैल्यू डाउन हो गई, है ना। उसमें टूट फूट हो गई है, खरोची आ गई है, स्क्रेच पड़ गए हैं, तो उसकी वजह से उसकी वैल्यू डाउन हो गई। सेकेंड हैंड का टैग लग गया, उसकी वजह से उसकी वैल्यू डाउन हो गई। तो ये कुछ रीजंस है जिससे डेप्रिसिएशन लगता है एसेट पर, और ये मैंडेटरी है, लगना जरूरी है। ऐसा नहीं होगा कि आपने कोई भी एसेट, अगर आज आपने 50,000 की एसेट खरीदी है, 50,000 की कोई भी मशीन आप लेकर आए हैं, तो आप अगर उसे कल भी बेचेंगे ना तो बेटा वो कम पर ही जाएगी। तो ये जो कमी आ जाती है ना वैल्यू में, उसे बोलते हैं हम डेप्रिसिएशन, क्योंकि उसमें सेकंड हैंड का नाम लग गया, है ना, ठीक। तो डेप्रिसिएशन आपको समझ में आ गया, रीजंस उसके समझ में आ गए। अब इससे रिलेटेड हम कुछ और टॉपिक्स के बारे में बात कर लेते हैं जिनमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, बोलते टाइम भी वो उसमें यूज अदर वर्ड्स को कर लेते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। एक आपका डिप्लेशन, डिप्लेशन होता है अगर आप नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कर रहे हो ना, एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, उसे बोलते हैं डिप्लेशन, ठीक है। इसे माइनिंग से कोयला निकालना, डायमंड्स निकालना, वो हो गया डिप्लेशन। देन अमोर्टाइजेशन, अमोर्टाइजेशन भी रिडक्शन ही होता है वैल्यू में, लेकिन ये इनटेंजिबल एसेट्स पर लगता है, टेंजिबल पर नहीं। हमारे जो डेप्रिसिएशन है ये लगता है फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स पर। टेंजिबल मतलब जिनको आप देख भी सकते हैं, जिनको आप छू भी सकते हैं, लेकिन अमोर्टाइजेशन राइटिंग ऑफ फिक्स्ड इनटेंजिबल एसेट, इसका मतलब राइटिंग ऑफ,
आपको आप देखोगे बुक में आपको मोस्टली यही वर्ड मिलेगा राइटिंग ऑफ, ठीक है। तो राइटिंग ऑफ का मतलब राइटिंग नहीं है कि हम राइटिंग कर रहे हैं, वो नहीं, राइटिंग ऑफ का मतलब रिडक्शन। तो यहाँ भी रिडक्शन होता है इनटेंजिबल एसेट्स की प्राइस में, उसे हम बोलेंगे अमोर्टाइजेशन, ठीक है। देन आ जाता है ऑब्सोलेसेंस। ऑब्सोलेसेंस का मतलब भी कमी होना होता है, लेकिन ये कभी कभी ऐसा होता है कि अच्छा आप में से बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे जिनके घर में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हो, है ना। तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में तो कोई डूर फोट नहीं मिली, फिर भी उसकी वैल्यू डाउन क्यों हुई है, मार्केट अभी भी है, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी हमारे मार्केट में आ चुकी है, नई अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी है। तो जब ऑब्सोलेसेंस होता है, जब कोई भी न्यू इनोवेशन या टेक्नोलॉजी मार्केट में आ जाए तो उसकी वजह से जो पुरानी टेक्नोलॉजी है उसकी वैल्यू डाउन हो जाती है, ठीक है। अभी सबके मोबाइल में 4G 5G मिल जाएगा, अगर हम बाहर की बात करें, अदर कंट्रीज की बात करें, तो उसमें और भी हाईर स्पीड का डेटा है, ठीक है। तो अभी आपने देखा 2G स्पीड कोई चलाता हो, है ना, तो बहुत कम लोग आपको ऐसे मिलेंगे, राइट। तो वो होता है ऑब्सोलेसेंस, जो न्यू इनोवेशन या टेक्नोलॉजी की वजह से उसकी वैल्यू में कमी आ जाती है, ठीक है। तो ये थे हमारे रिलेटेड टॉपिक्स। अब हम बात कर लेते हैं डेप्रिसिएशन की, क्या लगता है, क्यों लगता है, कैसे निकाला जाता है। अभी सपोज मैंने एक एसी खरीदा, ठीक है, मैंने एक एसी खरीदा 25,000 का, राइट। तो एक एसी हम खरीद के लाए, उसमें रिक्शे वाले को जो कैरेज लगा था हमारा 1,000 रुपए उसने ले लिया घर तक पहुंचाने का, डिलीवर करने का, ठीक है। अब क्योंकि मेरे रूम में वो एसी का एसी विंडो नहीं थी, तो विंडो हमें बनवानी पड़ी, तो उसके लिए मिस्त्री बुलवाया, मिस्त्री को 5,000 रुपीज हमने दे दिए। अब उसने क्योंकि विंडो उसका एसी के लिए रेडी की है, तो 5,000 रुपए मेरे उसमें भी लग गए, ठीक है। अब आप बताइए मेरा एसी घर तक आने तक मुझे कितने का पड़ा होगा। आप बोलेंगे अरे मैडम एसी तो 25,000 का है। नहीं, हमारा टोटल कॉस्ट कितनी हो गई एसी की, तो वो कॉस्ट क्या है आपकी, 25,000 में खरीदा था, 1,000 रुपए हमने रिक्शे वाले को दे दिए, 5,000 रुपए हमने मिस्त्री को दे दिए लगाने के, तो हमारे टोटल कॉस्ट कितनी आ गई है, 31,000। 25,000 प्लस 1,000 प्लस 5,000, ये होती है हमारी टोटल कॉस्ट। तो इसी टोटल कॉस्ट पर किसी भी कंपनी में एसेट को रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। मशीन जितने की आएगी उस पर जो भी खर्चा लग गया यूज करने तक, जब तक आप उसे फर्स्ट टाइम यूज करेंगे ना, तब तक उस एक्टिविटी तक जितने भी खर्चे लग जाते हैं उन सबको एसेट में एड किया जाता है, ठीक है। कंपनी क्यों दिखाएगी, भाई मैं क्यों पता हूँ 25,000 का एसी है, मेरे तो इतने खर्चे और लग गए, तो मुझे तो एसी एक्चुअल में कितने का पड़ा, 31,000 का, है ना। अच्छा, जो एसी हम देख कर आए थे उसमें हमसे बोला गया कि भाई इसकी लाइफ टाइम 5 इयर्स है, और अगर आप अच्छे से मेंटेन करोगे तो 2 इयर्स और बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये 5 इयर्स हमें लाइफ टाइम बता दी इसकी। देखिए कुछ चीजें ऐसी होती है जिनकी वैल्यू ना कभी भी जीरो नहीं होगी। तो एसी चाहे मेरा 5 साल बाद, 7 साल बाद, चाहे 2 साल बाद ही खराब हो जाए वो बिल्कुल, लेकिन फिर भी कुछ वैल्यू पर वो जाएगा, है ना, कबाड़ वैल्यू जो हम बोल सकते हैं, तो कुछ वैल्यू पर तो वो जाएगा ही जाएगा, है ना। जैसे एक्सचेंज ऑफर भी आते हैं, आप पुराने से पुराने एसी लेकर जाते हो तो उसके बदले में आपको रिफंड मिल जाता है या डिस्काउंट मिल जाता है, तो वो कुछ वैल्यू पर तो गया, है ना। तो वही जो उसकी उसने बोला हमसे एसी वाले ने कि मैडम अगर आप इसे 5 साल बाद बेचेंगे ना या 7 साल बाद बेचेंगे, तो इसकी वैल्यू 5 साल बाद 3,000 और 7 साल बाद अगर बेचती है तो कम से कम 2,000 तो होगी, ये उसने मुझे बता दिया, ठीक। तो अब ये हमारी वैल्यू कितनी है, 3,000, कितने साल बाद, 5 साल बाद। एसी कितने में मेरा, 31,000, है ना। इसकी वैल्यू कितनी है, 3,000, कब है, 5 इयर्स बाद, 5 साल बाद। इसका मतलब जो वैल्यू डाउन हुई है, मैं थोड़ा सा ऊपर से रब कर देती हूँ, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये जो भी नोट्स बना रहे हैं या नोट कर रहे हैं वो आप पॉज कर लीजिए और उसके बाद बना सकते हैं। तो यहाँ हमने लिया था कि एसी हमने परचेस किया है 25,000 में, कैरेज यहाँ लग गया हमारा 1,000 का, ठीक है, और इंस्टॉलेशन चार्जेस, ये इंस्टॉलेशन के लिए लग गए थे मेरे 5,000 रुपीज। तो टोटल कॉस्ट, जो मेरा टोटल कॉस्ट है एसी की, जो मुझे एसी पड़ा है वो पड़ा है मुझे 31,000 में, ठीक है। अब क्योंकि एसी वाले ने बताया कि
आफ्टर 5 ईयर्स आपका इसी 3,000 में सेल होगा। तो इसकी वैल्यू कितने से कम हो गई? 31,000 का था, 3,000 का बचेगा, कितने से कम हो गई इसकी वैल्यू? इसकी वैल्यू कम हो गई आपकी 28,000 से कम हो गई इसकी वैल्यू, है ना? ठीक है, तो 5 सालों में जो एसी की वैल्यू घिसी, जो कम हुई, वो हो गई 28,000। अब अगर मैं ईयरली निकाल लूं कि हर साल इसकी वैल्यू जो डेप्रिशिएट होगी वो कितनी होगी, तो आप बोलो अरे मैडम सीधे सीधे डिवाइड कर दो, है ना? देखो 5 ईयर्स में इसकी वैल्यू कम हुई है 28,000 रुपीज से। अगर हम 1 ईयर का निकालेंगे तो क्या करेंगे, 28,000 डिवाइडेड बाय 5, है ना? अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 5 5 25 3 5 6 5600 हर साल, मतलब पर एनम के हिसाब से मेरा एसी इसकी वैल्यू डाउन होती रहेगी, ठीक है, डेप्रिशिएट होता रहेगा। तो अगर हम 1 साल का डेप्रिशिएशन निकाल रहे हैं तो वो कितना आया, 5600। 5 साल का हमने टोटल निकाला तो डेप्रिशिएशन कितना आया, 28,000। ठीक है, तो यहाँ पर हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ी डेप्रिशिएशन निकालने के लिए? फर्स्ट टोटल कॉस्ट, सेकेंड थी बची हुई वैल्यू। इस वैल्यू को बोला जाता है रेसिडुअल वैल्यू, कि लाइफ टाइम के बाद कितने की वो बचेगी, रेसिडुअल वैल्यू या फिर स्क्रैप वैल्यू। तो यहां पर मुझे जरूरत पड़ी टोटल कॉस्ट की, रेसिडुअल या स्क्रैप वैल्यू की, एंड ये 5 ईयर हमने यूज किया था, है ना, तो यूजफुल लाइफ। इन तीन चीजों की मुझे जरूरत पड़ी डेप्रिसिएशन निकालने के लिए, ठीक है। 5600 जो 1 साल का निकाला वो हमने इन तीनों की हेल्प से लिया। तो अभी इन तीनों की हेल्प से हमारा एक फॉर्मूला बन जाता है डेप्रिसिएशन निकालने का। तो उस फॉर्मूले को हम देख लेते हैं। तो डेप्रिसिएशन की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, मैंने डेप शॉर्ट में लिखी है तो प्लीज माइंड मत करना। तो डेप्रिसिएशन वैल्यू ये होती है आपकी टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में याद है ना आपको, परचेस वैल्यू, परचेस कॉस्ट आ जाएगी इसकी, प्लस अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस किस दिन कौन से, जो सीधे मैंने खर्च किए हैं, ठीक है, तो जो मैंने खर्च किए थे वो सारे एक्सपेंसेस। अब सपोज दूसरे दिन मेरा एसी खराब हो गया, मैंने मैकेनिक को बुलाया, सॉरी रिपेयर उसको बुलाया, और उसने आके मेरा एसी ठीक किया और फिर से वो 200 रुपए ले गया, तो वो 200 रुपीज हम ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम ऐड कर चुके हैं कॉस्ट में। वो 200 रुपए अगले दिन के खर्चे हैं। मैंने आपसे ये बोला था कि खर्चे हमें वही ऐड करने हैं जो हमारे फर्स्ट यूज तक हुए हों, मतलब हम एसी को यूज कर चुके हैं पहले दिन, तो पहले दिन के यूज तक के हमारे कितने खर्चे थे वो हमारे टोटल कॉस्ट में ऐड होगा। दूसरे दिन का नहीं करेंगे या उसके बाद भी जितने भी खर्चे होंगे उन्हें हम ऐड नहीं करते, ठीक है। तो पहले यूज तक, फर्स्ट यूज तक जितना भी एक्सपेंसेस होंगे वो ऐड हो जाएंगे, राइट। तो टोटल कॉस्ट हमने क्या किया था, स्क्रैप वैल्यू को माइनस किया था, है ना, तो 28,000 आपका आया था, तो माइनस स्क्रैप वैल्यू। फिर आपको याद हो हमने क्या किया था, एस्टिमेटेड लाइफ यूजफुल लाइफ से डिवाइड किया था, है ना, तो डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। ये हो गया हमारा डेप्रिसिएशन निकालने का तरीका, ठीक है, इजी है ना। तो वो माइंड से वो निकाल देना कि हाँ कॉफ जो डेप्रिसिएशन का बैठा होगा वो सब निकाल देना। टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूज लाइफ, आ गया हमारा डेप्रिसिएशन। टफ था नहीं ना। अब अगर हमें रेट निकालनी हो, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, कि डेप्रिसिएशन कितने परसेंट लगा, तो कैसे निकालेंगे। अब देखिए हमारा डेप्रिसिएशन आया था, मैं भूल गई हूँ, 5600 आया था शायद, अगर रॉन्ग हो तो प्लीज माइंड मत करना, पर मुझे इतना याद है 5600 का हमारा एसी था 31,000 का, ठीक है। और परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई बाय 100, है ना, मैथ्स में आपने किया होगा ना छोटे थे जब, तो परसेंटेज में। या अच्छा एक और एग्जांपल देती हूँ, बहुत अच्छा है, इसे छोड़ देते हैं। आपके मार्क्स आते हैं ना टेस्ट में, आप परसेंटेज में कैसे निकालेंगे कि कितने परसेंट आपके मार्क्स हैं। 100 का सपोज 100 मार्क्स का आपका पेपर है,
इसमें से आपके 72 मार्क्स आ गए, ठीक है। तो 100 टोटल मार्क्स आपके कितने आए, 72 × 100। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से 100 कितने मार्क्स आ गए आपके, 72%। थोड़ा सा और टफ कर लेते हैं, आपके मार्क्स आए 90 out of 150, ठीक है, या 100 मार्क्स आ गए, चलिए 90 रखते हैं, 90 मार्क्स आए 150 में से। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई, 10 से 10, ठीक है, 3 × 3 = 9, 3 × 5 = 15, 5 से अगर आप 10 को काटेंगे तो 2, तो 32 = 60%, आपके कितना आ गए, 60%, ठीक है। यहाँ से 3 से काटा तो 30 आया और 32 = 60, ठीक। तो इस तरीके से हम परसेंटेज निकालते हैं, सेम वही हमने यहाँ पे किया है रेट निकालने के लिए। हमने रेट निकालने के लिए क्या किया है, जितना डेप्रिसिएशन था डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट कितनी थी, और परसेंटेज निकालने के लिए हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 1, 2, 1, 2, 1, 1, 0 से 0 कट गया, ठीक है। अब आपका आंसर आ गया 560 डिवाइडेड बाय 31। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ परसेंटेज आ जाएगी, कितने परसेंट डेप्रिसिएशन लगा, ठीक है। तो ये था हमारा डेप्रिसिएशन सिंपल मेथड, कैसे हम लगा सकते हैं, कैसे हम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं। आज के वीडियो में केवल इतना ही, इसके आगे हम नेक्स्ट इसका पार्ट करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्दी, जब तक के लिए बाय।